हेलो एवरीवन, हिमांशु बुरा दिस साइड। आज एक और बहुत एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के सामने आने वाला है। पूरा लाइव वीडियो है ये, 10-12 मिनट के वीडियोस रहते हैं मेरे, कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते। हाँ, बातें करके बोर जरूर करता हूँ, लेकिन बातों पे प्लीज फोकस करना। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और स्किप मत करना, बिकॉज आपको जो मैं ट्रेडिंग वाली स्क्रीन दिखाता हूँ ना, उसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको मतलब होना नहीं चाहिए आपको। मैं खुद बोलूंगा मेरे प्रॉफिट्स को मत देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना आपको, क्योंकि वही मेन है, उसी से कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट तो देखने हैं तो जाके ट्विटर पे चले जाओ, 1-1 करोड़ के लोग प्रॉफिट दिखाएंगे। मैं तो बहुत छोटा सा दिखाता हूँ, बहुत छोटा ट्रेडर हूँ मैं, ठीक है? 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिखाता हूँ बस। तो प्रॉफिट नहीं देखना है, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज करने को बोल रहा हूँ मार्केट में, और क्यों बोल रहा हूँ, उस एनालिसिस के पीछे रीजन क्या है, ठीक है? तो उस पर फोकस करना है, तो प्लीज पूरी वीडियो देखो, वरना अभी के अभी बंद करके जो भी काम कर रहे थे वो कर लो पहले, बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है गाइस? चलो मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फ्राइडे का दिन है, मस्ती चल रही है, मार्केट में कुछ काम है नहीं, ठीक है? 1 लाख रुपीज के अराउंड मुझे आ रहा है, ठीक है? एक्चुअली आज ना फ्राइडे वाले दिन हमारा मूवी डे होता है, तो मैंने एक बहुत अच्छी मूवी हम लोगों ने लगाई हुई थी, अभी अभी जस्ट खत्म ही हुई है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि तो वीडियो सुबह से बन भी नहीं पाई थी। मूवी है ब्लड शॉट, रिकमेंडेड है, आप लोग सब देखो, मस्ट वॉच मूवी है, फुल ऑन एक्शन मूवी है। हमारे मार्केट से ज्यादा एक्शन नहीं है उसमें, बट एक्शन है, अच्छा खासा एक्शन है उसके अंदर। और अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो अदानी ने आज का 1017.45 का लो लगाया है। जहां उसने लो लगाया है उसी लो पे 2000 की कॉल मेरी, 2000 की सीई मेरी प्लस है। 2000 की सीई का जो लो है वो है 43 का, मेरे पास 46 की प्लस है, यानी कि बॉटम प्लस है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम खाली ओपोजिट ट्रेड पकड़ के ही पैसा बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखना पड़ता है कि एक्चुअली आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, देखना पड़ता है कि कौन सा ट्रेड कब कहाँ मिल रहा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं, साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है। हमेशा चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, राउंड लेवल फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अदानी 3000 का लेवल टूटता है तो ज्यादा गिरेगा, 2000 ब्रेक होता है तो और गिरेगा, 1000 ब्रेक होता है तो और ज्यादा गिरेगा। 1000 के लेवल पे आ जाके रुका, जैसे ही रुका हमने वहां पे बाय किया, बिकॉज 1000 का राउंड फिगर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, चाहे इंडेक्स क्यों ना हो, कुछ भी हो, राउंड फिगर लेवल सबके ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने वहीं पे एक प्लस किया था, अच्छा खासे प्रॉफिट में बैठे हैं हम लोग अदानी के अंदर। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आ जाओ गाइस स्क्रीन पे आ जाओ। तो गाइस ये है वो ट्रेड, देखो 46 का बाय है, ठीक है? 56 का बाय है, ठीक है? तो बाय मैं करता आ रहा था आज अदानी को सुबह से ही, सुबह से नहीं मतलब जहां से मुझे लगा था कि बाय करना चाहिए, उस कॉल को बाय कर रहा था। अभी की पोजीशन अगर हम बात करें, 1 लाख तो मुझे अदानी में आ रहे हैं, मैं बुक नहीं किया मैंने, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और 1500 का लेवल क्रॉस होगा, वो भी एक एक राउंड लेवल, राउंड फिगर लेवल ही है, वो भी अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से और रैली मुझे मिल जाएगी, 50-60-100 पॉइंट की रैली और मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यार सिंपल सी बात है, इतने टाइम से बैंक निफ्टी गिर रहा है, मैं फिर से वही वाली बात बोल रहा हूँ। फ्राइडे के दिन क्या होता है कि प्रीमियम जीरो नहीं होते, प्रीमियम्स को जीरो नहीं होना होता फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन आप क्या कर सकते हो, आप लोग कोई भी एक दूर की कॉल या पुट जिसका रेट 20-25 रुपए का आ रहा है या 30 रुपए का आ रहा है, आप उसे बाय कर सकते हो। अगर आपको पता है मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर आप, जैसे मैंने ये उठाई हुई है आप देख सकते हो, 17 रुपए में मैंने 7,000 क्वांटिटी उठाई हुई है बैंक निफ्टी की। अब यार ये जीरो तो नहीं हो जाएगी ना, अगर हो भी जाएगी 5-7 रुपए नीचे हो जाएगी, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हुआ मेरा, मैंने ये ट्रेड अपने टेलीग्राम पे भी दिए है, मुझे कितना ही लग जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये मुझे लग जाएंगे, डजंट मैटर। लेकिन अगर ये 25-30-35 रुपए चल गई, यानी कि मार्केट अगर ऐसे चल गया, तो 25-30-35 का हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, और चलेगी इसी तरीके से, क्योंकि प्रीमियम आज के दिन बढ़ने होते हैं, आज के दिन प्रीमियम को गिरना नहीं होता, ठीक है? गिरने के चांस कम रहते हैं आज के दिन, तो इसलिए हमने ये बाय कर रखी है, अदानी की कॉल बाय कर रखी है। 99 लाख 99,000 दिखा रहा है, 1 लाख के अराउंड बुक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये नेचुरल गैस मेरा पोजीशन ट्रेड है, इसको तो मैं होल्ड ही करूंगा अभी। ये एक जीटेल इंफ्रा है, एक इक्विटी मैंने बाई की हुई है, ठीक है? वो देखते हैं अभी, और लगा रखे हैं बाय करने के लिए, ठीक है? तो ये होगी ट्रेडिंग हमारी। अब हम बात करते हैं, जितने भी वो लोग जो ट्विटर पे एनालिस्ट को देख के, ट्रेडर्स को देख के एक्साइट होते हैं, यार क्यों एक्साइट होना है? आप एक बार बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, आप उनके स्क्रीन शॉट्स देख रहे हो, एक गाना लगा हुआ सॉन्ग के बिना मजा नहीं आता, सॉन्ग चलते रहने चाहिए, बोरियत सी होती है। हाँ, तो आप लोग उनके स्क्रीनशॉट्स देख के, उनके वीडियोस देख के इतना एक्साइट हो जाते हो, वो लोग डालते हैं यार इतना एमटीएमआर, इतना मैंने कमाया, भाई क्यों, कुछ सीखने को मिल रहा है?
बस जाओगे देखोगे फलाना बंदा बोल रहा जी मैंने इतना आज मेरा इतना एमटीए, मैंने इतना कमाया, मैंने ये करा वो करा। भाई क्या एक्साइटमेंट है, उससे कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? क्यों एक्साइट होना है? आप उसको शेयर कर देते हो, आप उसको लाइक कर देते हो, क्यों करना है? बोला आपके घर की रोटी चला रहे हैं, वो अपने लिए कर रहा है ना, जो कर रहा है ग्रेड अपने लिए कर रहा है, कमा अपने लिए रहा है, आपको किस बात के लिए आप एक्साइट हुए? तो अपने को एक्साइट नहीं होता। अगर जो बंदा हमें कुछ सिखा रहा है ना, जैसे मैं आता हूँ डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, मेरी स्क्रीन अभी भी लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग करनी कर लो, डाल दो जहाँ डालना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं मिले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड पिक करते हैं। 1500 क्रॉस हो गया देखो, अब मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेड कैच किया दानी के अंदर मैंने, ये देखो ठीक है, ये बैंक निफ्टी है। कोई आपको बता रहा है सिखा रहा है, उसको फॉलो करो यार, उसको फॉलो करो, उससे कुछ सीखो समझो। फालतू में ट्विटर पे इधर उधर जा जाके सबको शेयर कर दो, लाइक कर दो, नहीं कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ जो सिखा रहा हो सीखो। यूट्यूब वूट्यूब पर बहुत बंदे बैठे हैं मेरे जैसे, बहुत बंदे बैठे हैं, इनको फॉलो करो सीखो ठीक है। और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे फॉलोअर लेके आओ भाई, फ्री में कॉल देता हूँ, फ्री में ज्ञान देता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ, यूट्यूब पे भी फ्री में आप लोगों को इतना मैं नॉलेज दे रही हूँ, वहाँ पे फॉलोअर लेके आओ ठीक है। चलो जब इसको बुक करेंगे तब एक वीडियो बनाएंगे। हथिया मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। चलो हो गई, हाँ भाई गाइस खाना वाना खाने गया था भाई, 4:30 बज गए हैं, बीच में थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है मार्केट को छोड़ के, और भी बहुत कुछ है जिंदगी में करने को। खैर एनीवेज आ गए हैं वापस हम लोग, पोजिशन सारी स्क्वायर अप हो चुकी हैं, स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अदानी 1679 तक गया, 1017.45 में हम लोगों ने उस टाइम पे बाय किया था ठीक है, और 1679 तक वो गया है अदानी हमारा। जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम पे वो 1400 समथिंग पे चल रहा था, मैंने कहा था राउंड फिगर से बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है, तो 1500 जैसे ही क्रॉस हुआ तो वहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली आई है। ये तो हो गया अदानी। बैंक निफ्टी की कॉल मैंने बाय करके रखी थी, आप सबको मैंने दिखाया भी था, 43,000 की कॉल थी वो, जब मैंने वीडियो बनाई थी 15-16 के अराउंड चल रही थी, 26-27 तक गई है, 24 पे क्लोजिंग आई है ठीक है गाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि फ्राइडे वाले दिन ऑप्शन नीचे जाने के बजाय ऊपर ज्यादा जाता है, बट आपको आपको पता होना चाहिए मूवमेंट किस साइड आनी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के बैठ गए और आप सोच रहे हो तो ऊपर जाना चाहिए, भाई हिमांशु ने बोला था ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता है तो आप अगर सुबह में अगर कोई नीचे की तरफ मार्केट जा रही है तो आप क्या करो, आप अपोजिट एक बार उठा लो, लेकिन पता होना चाहिए कि सपोर्ट लेके मार्केट जंप करेगा, पुल बैक देगा तब तो ठीक है, अगर वहां से और नीचे गया तो जो आपने ऑप्शन उठाया वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए देखना पड़ता है कि पुल बैक मूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी, तो वो जजमेंट आपको आएगी एक्सपीरियंस के साथ। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बहुत बातें हो गई, स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा 1.75 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया है आज भी, 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज से मैं प्रॉफिट ही आपको दिखा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत डिफरेंस है ठीक है। लोग आएंगे प्रॉफिट दिखाएंगे, बातें ही बहुत करेंगे, लेकिन लाइव ट्रेडिंग बहुत रेयर लोग दिखाते हैं, और लाइव ट्रेडिंग दिखाने के लिए बोलेंगे मेरे पास बैठने का, मैं तुमसे पैसा लूंगा। भाई क्यों दूँ पैसा, क्यों दूँ पैसा भाई, इससे अच्छा तुम किसी को ज्ञान दे दो ना, किसी को सिखा दो, सिखाओगे वो खुद भी ट्रेडिंग करेगा, वो कमाएगा, दुआएं देगा, किस बात का तुम साथ बिठाने का पैसा लेते हो भाई। मेरा तो ऑफिस खुला है, जब मर्जी जो मर्जी आ सकता है, आके मेरे साथ बैठ सकता है, देख सकता है, ऑफिस आने की जरूरत नहीं, मैं तो पूरे मतलब सोशल मीडिया पे लाइव डाल रहा हूँ ट्रेडिंग अपनी, जिसको देखना जितना देखना देखो, जहाँ शेयर करना है करो ओपनली, कोई दिक्कत नहीं। भयंकर से भयंकर मूवमेंट में डेली हम लोग प्रॉफिट इसके अंदर मैं बुक करके आपको दिखा रहा हूँ, और छोटा सा अमाउंट है वो, छोटा अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, 20 लाख रुपए डाले सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अकाउंट डाला। चलो एनीवेज ये जीटेल इन्फ्रा हमने उठाया था, इक्विटी का इसको छोड़ दो, नेचुरल गैस मेरा पोजिशनल ट्रेड है, इसको मैंने छोड़ रखा है, इसको भी इसकी बात नहीं करते हैं। अदानी के अंदर 1 लाख अराउंड आ रहे थे लास्ट में, हमने 1.21 हमने बुक कर लिए, चलो इसको हटाओ ठीक है, 140 में शायद बुक किया था, यहाँ पे ऑर्डर बुक में होगा ये 149.90 में बुक किया था, अभी 125 पर क्लोजिंग आई है, चलो इसको हटाओ। अब आ जाओ आप बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी उस टाइम पे आई थिंक मेरे को 25,000 के अराउंड लॉस में लग रहे थे, अभी 32,000 पॉजिटिव बंद हुआ है ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर बुक में, अब बैंक निफ्टी का जो ऑर्डर मैंने निकाले हैं देखो कहाँ पे 21 रुपये, 21.5 रुपये मैंने ऐसे ही इसके अराउंड में मैंने सारा सेल किया है, एंड बस। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड, बाकी सारा ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया दिखाने का फायदा नहीं।
तो गाइस ये है आज का ट्रेडिंग हमारी जो आपको दिखाई है। अभी आप लोगों को ये है कि ट्रेडिंग आपको इसलिए नहीं दिखाई जा रही कि आप मेरे प्रॉफिट देखो। मेरे प्रॉफिट देखने से मैं आपको प्रॉफिट अपने दिखा रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग जो मैं बोलता हूँ ना उसका ध्यान दिया करो। एक तो वीडियो पूरी सुननी है, जब भी वीडियो देखनी है तो पूरी सुननी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको वीडियो पूरी सुननी है। क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं सुनोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। मतलब क्योंकि सारा का सारा जो मेन जो मटेरियल है ना वो इसी बातों में ही है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। प्रॉफिट दिखाने को तो बहुत लोग दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाओ, ट्विटर पे बहुत लोग दिखाएंगे प्रॉफिट आपको। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही, मतलब मैं बता रहा हूँ जो लोग वहाँ पे दिखाते हैं ना उसके आगे 1% भी नहीं है। साला 1-1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं वहाँ पे लोग। तो उन एक्साइटमेंट चाहिए तो उनको देखे, एक्साइटमेंट मोटिवेशन ले लो। मेरे पास अगर आ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुछ सीखने के लिए वीडियोज देखो, जो मैं बताता हूँ ना उसको, उसके लिए वीडियो देखो आप। ठीक है, चलो वीडियो अपलोड हो जाएगी ये, आराम से इसको पूरा देख लेना। और उसके बाद मंडे को, कल तो छुट्टी है, मंडे को फिर एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं।